बिहार शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच का विवाद चरम पर पहुंच गया है। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर सारण प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक ने जयप्रकाश वीवी के कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ मुफस्सल थाने में FIR करने के लिए आवेदन दे दिया था। इसके अलावा मगध वीवी के कुलपति प्रोफेसर SK शाही और रजिस्ट्रार डॉक्टर समीर कुमार शर्मा के खिलाफ भी प्राथमिक की दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। मगध प्रमंडल की RD पूनम कुमारी ने इन दोनों के खिलाफ बोधगया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छपरा में दिए गए आवेदन में जयप्रकाश विश्वविद्यालय के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 के बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 3 के तहत हुई थी। शिक्षा विभाग, नया सचिवालय, विकास भवन बेली रोड पटना ने इन तीनों पदाधिकारियों के खिलाफ बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 और भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज कराई है। मुफस्सल थाना पुलिस का कहना है कि मामला पटना से जुड़ा हुआ है, यही कारण है कि SP से इस पर दिशा निर्देश मांगा गया है। दूसरी ओर राजभवन का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम और नियमों द्वारा निर्देशित होता है, जिनमें सभी अधिकारियों के अधिकार दायित्व परिभाषित है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में कुलपति में ही सारी शक्तियां निहित है। जब राज्यपाल के कार्यालय ने बैठक में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी, तो शिक्षा विभाग कैसे यह अपेक्षा कर सकता है कि कुलपति और कुल सचिव बैठक में शामिल होंगे? शिक्षा विभाग के अधिकारी राज्यपाल सह कुलपति से भी ऊपर है। कुल सचिव ने शिक्षा विभाग के सचिव को भेजे अपने जवाब में कहा है कि बैठक में शामिल ना होने के बारे में किए गए स्पष्टीकरण पर बार बार धमकी देना उचित नहीं है। कुलपति के आदेश पर भेजे गए जवाब में कुल सचिव ने लिखा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पत्रांक 539 दिनांक 21 फरवरी के द्वारा विभाग को समय पर सूचित कर दिया था कि विश्वविद्यालय में परीक्षा सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा काम बंद कर दिए जाने के बाद विषय परिस्थितियों में 28 फरवरी को पार्ट 1 सत्र 2022-25 की परीक्षा प्रारंभ हो रही है। परीक्षा की सुचारू संचालन और व्यवस्था की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक की उपस्थिति अनिवार्य है। इसीलिए 28 फरवरी को होने वाली विभाग समीक्षा बैठक में भाग ले पाना संभव नहीं है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अलावा अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालय के नामित पदाधिकारियों के वेतन रोकने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी देना इस बात का प्रमाण है कि उनमें विवेक, संयम और धैर्य का अभाव नहीं है। ऐसे में लगातार KK पाठक और राजभवन के बीच तकरार जारी है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।